मुंबई से कह रही हैं, 10 प्रकार के ब्राह्मणों के विषय में बताइए। 10 प्रकार के कौन कौन से ब्राह्मण होते हैं? ये ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पहले एक ही थे, उसके बाद वेदों में भी आया है, ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण मुख से, विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए। इस तरह से ब्राह्मण एक ही थी, लेकिन देश भेद से 10 प्रकार उनके गिने गए। पहले 2 प्रकार हुए, उत्तर और दक्षिण के, जिनको गौड़ और द्रविड़ कहा गया। एवं पूर्वम जाति रेखा देश भेदा द्विधा भवत, पहले एक ही जाति थी, देश भेद से वो 2 प्रकार की हो गई। गौड़ द्राविड़ भेदेना तयोर भेदा दश स्मृता, और फिर गौड़ और द्राविड़ जो थे इनके 5-5 भेद होकर के कुल 10 भेद हो गए। और फिर बाद में कहते हैं, चतुरशीति विप्राश्च दिग्भेदाश्च ततो भवन युगे युगे कार्य योगात कृता ब्रह्मादिवि पुनः। और फिर उन्हीं 10ों में से 84 ब्राह्मण भी हो गए। ब्रह्मखंड में लिखा हुआ है, बभूर ब्रह्मणो वक्रादन्या ब्राह्मण जातयः तास्थिता देश भेतेषु गोत्र शून्याश्च शौनक। अब जो 10 वृद्ध ब्राह्मण आप पूछ रहे हैं, तो द्राविड़ जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। गुर्जराश्चेति नहीं, कर्नाटकाश्च तैलंगा द्राविड़ा महाराष्ट्र का गुर्जराश्चेति पंचैव द्राविड़ा विंध्य दक्षिणे। विंध्य पर्वत से उत्तर और दक्षिण का भेद देखा जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण दिशा में जो देश हैं उनमें से गुजरात है, उनमें से महाराष्ट्र है, उसमें से तमिलनाडु है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। ये जो दक्षिण के देश हैं, इन दक्षिण देशों में, उनमें पश्चिम भी थोड़ा सा आ गया गुजरात महाराष्ट्र का, ये मिला करके जो भेद है, इस भेद के 5 भेद होते हैं। कर्नाटक के ब्राह्मण, तेलंग ब्राह्मण, द्रविड़ तमिलनाडु के ब्राह्मण, महाराष्ट्र के और गुजरात के। इसी तरह से विंध्य के उत्तर भाग में जो उत्तर भारत है वहाँ पर पंचगौड़ इति ख्याता विंध्य से उत्तरवासिनः, इनमें 5 हैं, सारस्वतः कान्यकुब्जा गौड़ा उत्कल मैथिलाः। सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, उत्कल और मैथिल। जो सारस्वत हैं ये पंजाब, जो पंजाब का इलाका है वहाँ रहते हैं। कान्यकुब्ज जो है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज आदि नगरों के आसपास के लोग हैं। गौड़ ब्राह्मण जो हैं राजस्थान का कुछ प्रदेश लेकर के उधर बसते हैं। उत्कल माने उड़ीसा के और मैथिल माने मिथिला के। ये जो ब्राह्मण हैं इन्हीं भेदों से समग्र ब्राह्मण संग्रहित हो जाते हैं। 5 द्रविड़ और 5 गौड़, ऐसे मिला करके कुल 10 विद ब्राह्मण कहे गए हैं। ये ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंड के प्रमाण के अनुसार आपको हमने बता दिया। 10 प्रकार के ब्राह्मण हमने देश भेद से बताए, और शास्त्रों में कर्म भेद से भी 10 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए। देवो मुनिर्द्विजो राजा वैश्यः शूद्रो बिडालकः पशुर्म्लेच्छश्च चांडालो 10 विप्राः प्रकीर्तिताः। स्पष्ट ही है, देव जैसा जिसका स्वभाव है वो देव ब्राह्मण, मुनि जैसा जिसका स्वभाव है वो मुनि ब्राह्मण, द्विज जैसा जिसका स्वभाव है वो द्विज ब्राह्मण, जो क्षत्रियवत व्यवहार करता है वो राज ब्राह्मण, जो वैश्यों जैसी प्रवृत्ति में निरत रहता है वह वैश्य ब्राह्मण, जो शूद्र कर्म में लगा हुआ है वो शूद्र ब्राह्मण, जो बिडालक जैसे मार्जार धूर्तता करता है वैसा धूर्त व्यवहार करता है वो बिडाल ब्राह्मण, और जो पशुवत खान पान आदि का विचार किए बिना जैसा मिलता है वैसे ही खाता है, जैसे होता है वैसे ही काम करता है, कामाचार जो है उसको पशु ब्राह्मण, और जो उससे भी नीचे गिरा हुआ है वो म्लेच्छ ब्राह्मण, और सबसे पतित जो है वो चांडाल ब्राह्मण। इस तरह से ब्राह्मण होकर के भी 10 उनके प्रकार बताए गए हैं शास्त्र में। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण घर में जन्म गया वो ब्राह्मण ही कहा जाए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म प्राप्त करने से ब्राह्मण तो रहेगा, लेकिन आगे कर्म के आधार 10 प्रकार उनके हो जाते हैं।
तो उनके कर्म के आधार पर ही उनका भविष्य में पर्यालोचन होना है। 10 प्रकार के ब्राह्मण बताए। फिर से कह देते हैं, देवो मुनिर द्विजो राजा वैश्यः शूद्रो बिडालकः पशुर म्लेच्छश्च चांडालो दस विप्राः प्रकीर्तिताः। ये 10 विद ब्राह्मण है। तो देश की दृष्टि से गौड़ और द्रविड़, और कर्म की दृष्टि से ये देवादि 10 प्रकार हैं।